देखिए मेरे देवर जी अभी तक वापस आए हैं, दो हफ्ता गुजर चुका है, ठीक है, मैंने थोड़ा दिन इंतजार करती हूँ। अगर देवर जी आएंगे तो मैं बहुत खुशी मनाऊंगी, अगर नहीं आया देवर जी तो मैं उन्हीं के बच्चे रहूंगी, मैं अकेली कैसे कितना रोज मैं तनोत में रहूंगी।
परिवार में पति नाथ का उद्देश्य नहीं देखती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ, अगर पति नाथ कहीं गए होंगे तो उससे अवश्य मुलाकात करते हैं। जिंजीर में मैं खेली पतिनाथ, मैंने जाने आसान करके मोहित
गंगा का गद्दा मैंने बना चुकी, तो जितना सामान मैंने खोल के रखी थी गंगा किनारे में, मैंने सारे सामान उठा करके अपना झोली में रखी। लेकिन यार जब मैंने आधे रास्ते आती हूँ तो मुझे याद आती है मेरी जादू का पुस्तक और गाला का नौलखा गिर रहा, वो मेरी गंगा हरदम में छूट गई। मैंने देवर जी से बोली, देवर जी ने कहा भाभी जी छूट गया छूटने दो, चलो मोहित किला तुम्हें सोनार के मंगा करके गला के बढ़ार बनवा देंगे, मोहित किला से जादू को पुस्तक मंगवा देंगे। मैंने बहुत जीत की देवर जी से, देवर जी को मैंने हफ्ता रोज का डेट दिया। देवर जी ने गया लौट करके वापस गंगा हरदोर जादू की पुस्तक खोलने के लिए और गला गिर ने हार। देवर जी को एक हफ्ता से दो हफ्ता गुजर गया, मेरी तंबू के पास नहीं आया। मेरे तंबू गिरा करके वह ने गए थे, मैं तंबू पर आराम कर रही थी। मैंने कितने रोज मैं देवर जी को आशा ही थी, मैंने सोची अकेली मैं तंबू में कैसे रहूंगी, मैं जा रही हूँ किला। लेकिन आज मैंने आपके दरबार आई हूँ, आपसे मैं आदेश मांगती हूँ, मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं महल जाऊंगी। एक एक करके मैं तुमसे सवाल का जवाब लेंगे, उसके बाद तुझे आदेश मिलेगा महल जाने का, समझ गई? और मेरे भाई जो तुम ले गई है, तुम्हारा ये कहानी सुनने के लिए नहीं मैं घर आऊ, मेरा बाबू रुद्र सिंह मेरे सामने चाहिए। जिस हालात में तुम ले गई है उसी हालात में मुझे सामना चाहिए, नहीं तो समझ ले मैंने तुझसे पहले मना किया था कि मेरे के जिद को छोड़ दे तू, लेकिन तुमने जिद को नहीं छोड़ी, क्योंकि तुमने दिल जिद को जो नहीं छोड़ी यही वही बात आज सामना आ गया है। अरे तुझे तो बदला लेना था, बरसों साल के बदला लेना था मेरे भाई से, तूने यहाँ से ले गई मेला की बहाना कर करके और मेरे भाई को ले जाकर के मेला में गंगा हरदो में मां गंगा हरदो में जाकर के बलिदान। नहीं चौमिया, क्या मुझसे नहीं हो सकती है? मैं तुमसे वो बहस करने के लिए नहीं, अगर तुम जानती थी कि तुम्हारा मेला का हर और जादू का पुस्तक छूट गया तो छूट जाने देता, मैं तुम्हारे लिए मेला का हर मंगवा लेता, जादू का पुस्तक बंगाल से मंगवा लेता, तुमने तो जानबूझ कर रुद्र सिंह को लौटा करके भेजी है। मैं तुम्हारा बहाना नहीं जानते हैं, मेरा भाई मेरे सामने चाहिए, उसके बाद तुझे आदेश भल के मिलेगा। वरना मार के बिजली कोड़ा से सर्दी कर भी हार रही है के लल्लू
के लिए गई थी और जाने के टाइम तुमने मुझसे वादा किया था मैं जिस हालात से ले जा रही हूँ उसी हालात में आपका भाई पहुंचा देगा। मुझे मेरा भाई चाहिए सामने में, वरना आरंगाली मुंह दिखाने के लिए राजमहमा नहीं निकल यार।
वाले पर विश्वास करके मैंने भूल किया। अरे किसी ने ठीक है कहा है कि देवर जाने क्रिया चरित्र वैभव जाने। मैंने रानी पर विश्वास करके जब रानी जा रही थी मेला देखने के लिए, जब जीत कर रही थी, मुझे उसी टाइम धोखा हो रहा था कि आज जीत करके क्यों ले जा रही। और ये तो ले गई मेरे भाई, मेरे भाई को जाकर के गंगा हरदान में बलिदान दे दिया। और अगर मेरे भाई की दुनिया के कोई ऐसा माइकल लाल पील नहीं पैदा लिया है कि मालूम रूप जी में कोई अरब दादा पकड़ करके बंधु बना देंगे या उससे कोई मुकाबला कर लेंगे, साले को सर काट करके सिंगर बन रहे रानी का मैंने मारपीट के घर से निकाल दो। मैंने कुछ दिन के लिए मौका दिया है, हो सकता है कि दोनों देवर भाई का प्यार था, शायद मजाक में उधर से छोड़ दिया होगा या तो ये छोड़ दी होगी। एक आध हफ्ता अगर लौट करके आ जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं आई तो समझ लेंगे घर में जाके वास्तव में मेरे भाई को बलिदान दिया। मैं कुछ देर और इंतजार कर रही दरबार में देखते कि आखिर उधर से गया क्या, फिर उसके बाद आगे सोचे।